नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव नजदीक है तो सियासी हलचल भी चरम पर है, खासकर देश के सबसे बड़े और सबसे खास राज्यों यूपी और बिहार में तो मानो सियासी भूचाल ही आ गया हो। पहले एसपी और बीएसपी में गठबंधन, उसके बाद उनका 80 सीटों में से 38-38 सीटें बांट लेना और उसके बाद दो सीटें बिना मांगे ही कांग्रेस के लिए छोड़ देना, इसके बाद दो और सीटें अन्य पार्टियों के लिए छोड़ देना, जो कोई भी पार्टियां हो सकती हैं। अब ऐसे में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आशीर्वाद लेना, इसके बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात होना, सियासी मायनों में बहुत कुछ कहता है। या यूं कहें कि बीजेपी के खिलाफ बन रहे महागठबंधन को तेजस्वी यादव की इस मुलाकात ने और धार देने की कोशिश की है, क्योंकि महागठबंधन तभी काम करेगा जब ये विपक्षी आपस में मिलते जुलते दिखाई देंगे। अगर मिलेंगे नहीं तो जनता के मन में महागठबंधन के प्रति विश्वास कैसे जगा पाएंगे। मायावती से मुलाकात के बाद तेजस्वी मीडिया से रूबरू हुए और लोकसभा चुनाव में कम से कम यूपी और बिहार में महागठबंधन के सामने खड़ी बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाने का दावा किया। देश में जिस प्रकार का माहौल बन रहा है और जो देश में जिस प्रकार से बाबा साहब के संविधान को मिटा करके नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं और जिस प्रकार का कदम बहन मायावती जी ने और अखिलेश जी ने जो गठबंधन मिला करके जो लड़ने का काम किया है, इसके लिए पूरी देश की जनता में काफ़ी खुशी है और ख़ास तौर पे जो बहुसंख्यक आबादी है इस फैसले का स्वागत करती है और मजबूती के साथ जो है जो चुनौतियां हैं उसको सामना करने का काम करेंगी। तो आप समझ जाइए कि यूपी और बिहार से बीजेपी का सफाया एकदम पूरी रूप से हो गया। हमको नहीं लगता कि यूपी में एक भी सीट बीजेपी या उनके घटक दल जो है जीतने का काम करेंगे। पूरी सीटें जो है ये जो सपा बसपा गठबंधन जो ही है वो ही जीतेगी और देश को रास्ता दिखाने का काम करेगी। माना जा रहा है कि मायावती और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात दोनों ही पार्टियों को किसी भी रूप में फायदा पहुंचाने जैसा है, क्योंकि हो सकता है कि आरजेडी को यूपी में दिलचस्पी हो, ठीक वैसे ही जैसे बीएसपी को बिहार में दिलचस्पी है, क्योंकि यूपी में तो अन्य पार्टियों के लिए गठबंधन ने दो सीटें छोड़ी ही है। वही माना यह भी जा रहा है कि आरजेडी ने बिहार में बीएसपी के लिए एक से दो सीटें देने की रजामंदी जरूर दिखाई है। इस बीच सबसे दिलचस्प बात जो निकल कर सामने आई है वो है यूपी और बिहार में कांग्रेस की भूमिका, क्योंकि यूपी में भले ही गठबंधन ने कांग्रेस को शामिल ना किया हो लेकिन बिना बोले ही कांग्रेस को दो सीटें दे दी हैं, वहीं बिहार के महागठबंधन में तो कांग्रेस शामिल ही है। तो भले ही यूपी का गठबंधन जनता के सामने ये ना दिखाए कि वो कांग्रेस के साथ है, जबकि अंदर ही अंदर इस गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका भी अहम होती दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प ये है कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ इकट्ठी हो रही इन पार्टियों का सियासी भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी का अखिलेश और मायावती से मिलना, सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात तक ही सीमित रहना थोड़ा विश्वास से परे है।